Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. और हमने अभी बाग वगैरह घूम लिया परिंदगान का, और अभी हम जा रहे हैं सफा भी हाउस। इधर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है, और ये एक मतलब कार वगैरह थी तो उसके नाम से, तो हम उधर चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइज हम उतर तो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं जब कहाँ पे वो, इधर तो बिल्कुल कुछ नज़र ऐसा आ ही नहीं रहा, तो देखते हैं किसी से पूछते हैं या लोकेशन कोई ढूंढते हैं। भाई स्नैप पे तो हमें नहीं मिली, यही मिली हमें, और इसने ये लिया है उधर से पार्क से। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं खाना सफी, और ये हिस्टोरिकल प्लेस है। अंदर चल के हम देखते हैं, और ये कुछ लगे हुए हैं, ये भी है पर्शियन में लिखा हुआ सारा कुछ। यहाँ से हम टिकट वगैरह ले रहे हैं, पता नहीं कितने की टिकट है, 10 तुमान की है, मतलब सही में लगी है। ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी है, लारा लगा हुआ है। ये वो बंदे हैं जिन्होंने इसमें ना कंट्रीब्यूशन करके बनाया था, और ये तकरीबन 450 साल पुराना है, और हम चल के बताते हैं आगे, अंदर चल के देखते हैं क्या है। इधर क्या है, ये इसका नक्शा हुआ है कि सारा कुछ किताब खाना है सब कुछ है। और उधर चल के बताते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, और मिट्टी का बना हुआ है सारा कुछ। ये देखो इनको तो हर जगह ना तस्वीरें बनाने का शौक है, बस जहाँ देखते हैं वहाँ तस्वीरें बनाने से लग जाते हैं बस। तो हमने तस्वीरें वगैरह निकाल ली है, और ये देखें इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। और ये देखें, और ये है सफी हाउस, लेकिन इन्होंने कुछ खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है, आई थिंक रेस्टोरेंट बना हुआ है। ये बर्तन पड़े हुए हैं इधर, टूटे हुए हैं, और ये ऊपर चम्मच वगैरह सारा कुछ, ये देखें सारा कुछ, और ये देखें गरीब जो बात। और ये आई थिंक सो मेन रोल जो है ना बनाने में इसका ही था, हाथ बड़ा, तो इसलिए इन्होंने हाथ इसके काट दिए हैं, दोनों हाथ काट दिए इसके बेचारे के, बहुत बड़ा था। और पता नहीं किसी ने कुछ लिख के है ना इधर रख दिया है, जैसे हमारे होते हैं पीरों के। हाँ आगे देखते हैं चल के, मेन जो चीज़ है ना इसकी वो ये है कि ये ना मिट्टी से बना हुआ है सब कुछ, और बस आई थिंक मेन यही चीज़ है इसकी, है ना सिंधी? हाँ मेन चीज़ यही ना, मिट्टी से बना हुआ है, बना हुआ है। बाकी और कुछ नहीं है, हाँ पुराना है, मतलब हिस्टोरिकल है, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब मेन चीज़ जो है ना इसकी यही है कि ये ना मिट्टी से बना हुआ है, और कुछ नहीं है इसमें, मतलब कोई खास बाकी। तो चलो देखते हैं कुछ खाने के लिए भी ट्राई करते हैं, इधर रेस्टोरेंट भी है अंदर, और देखते हैं अभी घूमते हैं फिर कुछ खा भी लेंगे। ये देख हाँ ऊपर जाने के लिए जगह है, हाँ ये अंदर से ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ। हाँ ये तो लॉक लगा हुआ है, बाकी कुछ खाए इधर तो नहीं गए। ये लड़की है बाकी ये उन्हें वो लकड़ी, हाँ ये लकड़ी का ये, और ये तो नहीं तो मैं कुछ नहीं रोका है पहले कुछ।
इसाका से पूछते हो कि ऊपर जा सकते हैं हम, फिर हम आगे ऊपर जाएंगे। तो हम आगा से पूछे कि ऊपर जाने के लिए कोई जगह है, उसने कहा बस ये जो है ना नीचे फ्लोर वगैरह ना, बस ये ऊपर जाने के लिए कोई कुछ है ही नहीं। चलो देखें कुछ ट्राई करते हैं रेस्टोरेंट से। ये अंदर उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है खाने के लिए, और ये मेरे दोस्त अभी बैठे हैं खाने के लिए, और ये भी इधर पता नहीं कोई फैमिली बैठी हुई है। ओए बड़ा अच्छे वाले यार कुर्सियाँ तो। फाइनली हमारे पास पास ही आ गए हैं, बहुत टाइम के बाद आए। और ये देखो मोल्ले ने अभी चम्मच उठा रही, अभी कुछ और भी आना है, अभी कम अच्छे तो कुछ। ये आई थिंक सो सैंडविच है, ये भी आ गया। हाँ जैतू में काम हो गया था यार, ना नशा भी ना के खा मैम ने आ गया सारा कुछ। और चलो खाते हैं। तो गाइस ये नाइट व्यू इसका, सफारी हाउस का, और अभी हमने खाना खा लिया है और अभी हम वापसी जा रहे हैं। एक लेक की तरफ जाना है, इधर ही करीब है, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। और पैसे भी पे कर दिए मैंने, तकरीबन 750 तुमान आए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।